लॉटरी टाइम ही नहीं है हम लोग के पास। ओ शिट शिट शिट, अचानक गाय आ गया भाई। आसिमारा में गुरुद्वारा में आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे अंदर, पर चारों तरफ चाय का ही गार्डन है और कभी कभी फलन मार देता है। अच्छा शेर भी आ जाता है लेकिन इधर? ओहो बाप रे, ट्रेन का टिकट काटिए हम जाते हैं घर। कभी कभी फलन मार देता है। अच्छा शेर भी आ जाता है लेकिन इधर? ओहो बाप रे, हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस व्लॉग्स 21। गाइस आज है 5 दिसंबर 2023 और अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर ही, और कल रात को मैंने फर्स्ट टाइम कैंपिंग किया जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और अभी मैं हूँ दोस्तों बागरकोट वेस्ट बंगाल, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि वेस्ट बंगाल में हो, आप फुल्ली ऐसा फील करोगे कि आप नेपाल के अंदर हो। नेपाली कल्चर आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ पूरा पहाड़ मिलेगा जैसा कि कल के मोटो व्लॉग में आपने देखा होगा, फुल्ली चाय का बगान। यहाँ पर हम लोग अपना पूरा कैंपिंग वगैरह को पैकिंग कर रहे हैं वापस, और जो टेंट का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना गाइस, एकदम कह सकते हैं 10 out of 10 था, क्योंकि यार मतलब फर्स्ट टाइम, हाँ, और पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, और इतना मजा आया ना सोने के बाद, फुली रिलैक्सिंग फील हुआ। स्लीपिंग बैग के अंदर मैं सोया हुआ था, पहले अपने टेंट को पैक कर रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बेहतर। बेहतर नहीं चला, कब हाथ से फोन गिर के सो गए। मेरा भी वही हुआ, मैं तो एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करते करते सो गया, मेरा फोन इनके साइड में पड़ा हुआ था, ऐसे ही सो गया, आप पूरा एडिट भी नहीं कर पाए थे, लेकिन चलिए कुछ भी हुआ, बहुत मजा आया फर्स्ट टाइम। बाकी इसमें हम लोग छत के नीचे हम लोग कैंपिंग किए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको दिखाने वाले हैं ओपन कैंपिंग, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी जाओ, जाओ नहीं अभी, जस्ट सब्सक्राइब कर लो। किंग ऑलमोस्ट क्या कम जानी कर ली, इधर विद्या मस्ती ब्लॉग फ्रॉम, और इधर है शुभ यात्रा से भोपाल। हेलो गुड मॉर्निंग, लेकिन पूरा पैकिंग कर रहे हैं, आर्मी का तैयारी में आए हुए थे, तैयारी में लगे हुए, पूरा पैक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे आए के लिए। तो बड़ी चीज है कि प्राइम लोकेशन पे, आपको मैं एक बार लोकेशन भी बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा, लेट्स सी आपको दिखाते हैं। पीछे है चाय का बगान, टी स्टेट फुल्ली, क्या नजारा यार, और इधर उस साइड में रेलवे ट्रैक और ट्रेन, तो कितना मजा आता होगा जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पर्सन होगा, यात्री होगा। तो चलिए गाइस फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देन यहाँ पर आगे रेस्टोरेंट के अंदर, और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है लच्छा पराठा, देखिए ये है एकदम जालीदार लच्छे की तरह। हम लोग जहाँ पे कैंपिंग किए थे उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे एक टी गार्डन है, तो मैं सोचा कि अभी चाय अभी पी रहे थे तो आप लोग को थोड़ा सा टी गार्डन का टूर दे देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे चाय का पूरा बगान है, और ये है चाय का पौधा, देख सकते यही है चाय का पौधा, और इसी चाय का ये चाय हम पी रहे हैं, मतलब कि दार्जिलिंग टी गार्डन के अंदर दार्जिलिंग का फेमस टी पी रहा, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। इसी बात पे ठोको लाइक एंड सब्सक्राइब, चाय बगान के अंदर चाय पीने का फील ही अलग है, मज़ा इनटू 100 हो गया। और देखिए एक और आदमी आ गया, मस्त मजा आ रहा है भाई साहब, इसी गार्डन का चाय पी रहे हैं और इसी गार्डन के अंदर, इसी गार्डन के अंदर, और इसी गंगा डेयरी, दशहरा, दिवाली एवं छठ, जैसा कि आप लोग को पता है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट अब किया जा रहा है, तो हम लोग वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में, और यहाँ भी छठ का बोर्ड दिख गया है, देख सकते हो, बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए, स्पेशली बिहारी कम्युनिटी के लिए। गाइस फाइनली न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी, सीपी ब्रो आगे निकल गए हैं और सभी बाइकर लोग भी निकल गए हैं यहाँ से, इस जगह को बाय बाय कहते हुए, बाय बाय दिस प्लेस, मुझे उतना नाम पता नहीं इस प्लेस का, लेकिन यार जगह बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत प्यारे प्यारे मिले इधर, और भाई सड़क भी बहुत ही अच्छा है। बाकी दोनों साइड में जो है ना टी गार्डन है गाइस, इधर भी टी गार्डन, इधर भी टी गार्डन, टी गार्डन के बीच में एकदम सड़क है, और ये सड़क जाती है जय गाँव, जो कि भूटान का बॉर्डर है, इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, वहाँ तक जाती है, और बहुत फेमस प्लेस है इस एरिए का। तो वी आर गोइंग टू अरुणाचल लाइक तमांग, और हम लोग जय गाँव होते हुए जा रहे हैं, सिलीगुड़ी से दो रास्ता है, एक गुवाहाटी हो के आप जा सकते हो, एक आप इधर से जा सकते हो, तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता चुना क्योंकि हम लोग को पहाड़ वगैरह देखना था। अपने टाइगर को भूख लगी है, हम लोगों ने तो खाना खा लिया, टाइगर को भी खिलाना ज़रूरी है, हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं,
लॉटरी टाइम ही नहीं है हम लोग के पास। यहाँ पर लॉटरी सेलिंग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये अंकल लॉटरी बेच रहे हैं, बोले लॉटरी ले लीजिए। तो कहाँ क्या करेंगे भाई लॉटरी लेके, हम लोग के पास टाइम है ट्रैवल, कभी इधर करते। रोड्स का निर्माण तेजी से हो रहा है। अभी कहा जाए तो ब्लॉक का जो स्टार्ट पॉइंट अब से शुरू होता है। इससे पहले तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करा, यही सब आपने देखा होगा। सीपी भाई आगे निकलते हुए अपने ऊँट को दौड़ाते हुए, और आगे दिख गया है बोर्ड रोड का। देखते हैं कहाँ कहाँ का डिस्टेंस है। बाकी पहाड़ दिखना शुरू हो गया है चारों तरफ। लेफ्ट साइड में तो भाई बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है। यहाँ से मायागुड़ी है 5-8 किलोमीटर, और कौन कौन सा जगह का नाम, माल बाज़ार 12 किलोमीटर। तो फिलहाल हम लोग माल बाज़ार की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ख़रीदना है बर्तन यानी यूटेंसिल्स कि हम लोग करेंगे फुल्ली कैंपिंग। क्या पहाड़ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, आगे आपको दिखाएंगे हम। चाय पत्ती लेके जा रहा है ट्रक पे। देख यहाँ पूरा राइट साइड में भाई साहब चाय का बगान है यार, बहुत खूबसूरत। जैसा मैंने फिल्मों में देखता हूँ ना, सेम वैसा ही दिखने को मिल रहा है। तो है ना, ये लेडीज लोग यही लोग चाय बीनते हैं, लोकल लोग यहाँ के। सब चाय का बगान का यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है यार, देख रहे हो पूरा चाय का बगान। की भेलो दादा, की भेलो। यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट टी गार्डन के पास में। माल बाजार इज हियर गाइस। खाना बनाने का सामान लेना है यार, जैसे कुकर हो गया एंड और भी चीज़ें हैं वो सब लेना है। ये माल बाजार का बस स्टैंड, मतलब छोटा सा मार्केट बोल सकते हैं इसको। Many minutes later. वो भी सामान था जैसे कुकर हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, बर्तन वगैरह, वो सब लिए हैं। अब हम लोग का कोशिश रहेगा कि कुछ खाना पीना बनाया जाए। लेकिन जो प्लेस है ना गाइज, ये है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कैमरा क्या नाम है? कहाँ से? यहीं से हो? पढ़ते हो स्कूल में? कौन क्लास में? 3 क्लास में। बाय बाय बाय। गाइज एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ भी आप ट्रैक देख सकते हो, रेलवे ट्रैक। नेपाल में तो मैं देख रहा था ऐसे जगहों पे भी ट्रेन नहीं है। नेपाल ही एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सिर्फ जनकपुर में है, वो भी मैदानी इलाका है इसलिए, लेकिन पहाड़ों में नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत पहाड़ है यार, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं काफ़ी। देखिए गुवाहाटी यहाँ से 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाइज अभी मैं हूँ चाय के बगान में यानी टी गार्डन में, और यहाँ पर एक चाचा मिले। आप यही काम करते हैं? अच्छा, तो ये कब टूटता है चाय? ये चाय तो अभी टूट के खत्म होने वाला है। अच्छा, अब इसकी ऑफ सीजन आ रहा है। अभी टूटा नहीं है, इसमें से पत्ता टूटता है क्या? टूट रहा है। जैसे इसमें चाय कौन हो गया बताइए, इसमें से कौन का यूज कौन होता है? मतलब झूल डाली, मतलब ये झूल पत्ता जो है ये नहीं टूटता, ये चाय गच को फैलाता है। और बीच का जो होता है ये जो निकला है ये बच्चा। पीने वाला कौन है? पीने वाला? ये तो मशीन से बनता है चाय की। अच्छा, वहाँ सामने फैक्ट्री है? फैक्ट्री है ये। ओ, ये है चाय का गार्डन है। मशीन है, मशीन से करता है ये। अच्छा, बहुत कुछ। तो इसमें से अभी ना है कुछ निकलने में, जैसे ये है तो यो बन जाएगा चाय? यो बन जाएगा। पर चारों तरफ चाय का ही गार्डन है, और यहाँ के लोगों का लोकल जैसे लोग हैं वो इसी में काम करके अपना पेट गुजारते हैं ना, एकदम इसमें काम करते हैं यहाँ पर दिहाड़ी पे। कितना का रोज लगभग मिलता होगा जो काम करते होंगे? क्या हजरा है 200 डेली के? डेली का 230 रुपया तोड़ने वाले का? हाँ, तोड़ने वाला। अच्छा, 230 रुपया मिलता है जो लेबर यहाँ पे काम करते हैं ना वो। हम लोग बिन गोरी है, 53 क्या है भाई, ये बहुत म्यूजियम लग रहा है शायद, वार म्यूजियम आई थिंक। अरे भाई ओ सेट, अचानक गाय आ गया भाई, अचानक गाय आ गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है गाइस, क्या बताएं। ट्रिप कैंसिल, बैक टू होम। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत
हाँ ट्रेन का टिकट काटिए, हम जाते हैं घर। हाँसीमारा में गुरुद्वारा में आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे अंदर। कहाँ पे शेर आता है इस सब में? अब जाइए ना, गाड़ी तो चली रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब सुना आपने, हम जिस रास्ते में है ना भाई, वो बहुत डेंजर रोड है, पूरा अंधेरा हो गया है। अब कैंपिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। प्लीज़ लाइक कीजिए भाई, बहुत मेहनत लग रहा है यार आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जय गांव यहाँ से है 18 किलोमीटर लेफ्ट और हाँसीमारा है 4 किलोमीटर लेफ्ट, 350 किलोमीटर गुवाहाटी है मात्र यहाँ से। तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं गुरुद्वारा, कौन सा ये अभी हम लोग गुरुद्वारा में आए हैं। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, फ्री है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ किया जाता है यहाँ पे। पानी पीने का भी व्यवस्था है, उधर वाशरूम भी अच्छा खासा, और यहाँ पे पूरा खाना का मतलब कि लंगर लगा हुआ है, जो भी आता है वहाँ पे खाना खाता है। ठीक है, बाइक को पार्क उधर कर दिया है उस साइड में, सभी बाइक इधर है, इधर भाई लोग अपने सभी इधर सीपी भाई एडिटिंग पे बैठ गए हैं, बाकी सभी लोग हैं इधर। गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को आज की जर्नी को समाप्त करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको जर्नी काफी पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था आज का और काफी अमेजिंग। आज तक की सबसे बड़ी खबर, हम लोग गुरुद्वारा में खाना खाए हैं, प्रसाद ग्रहण किए हैं। के लिए शुभ रात्रि और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत ही गड़ा होने वाला है जो वहाँ पे टेम्परेचर -20 में है और अपन कुछ 20 में जो है कैंपिंग करने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय।